नानी वाले के पास हम आ चुके थे तो हम आपको मिलवाते भी। नदीम भाई हमारे चैनल के लिए कुछ बोल देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ बोल दें, सब्सक्राइब कर दें, लोगों से कह दें यार चैनल को लाजमी, मैं भी आपके वीडियो देखूंगा इंशाल्लाह। एचएस उसने अंशेख के नाम से, और टिकटॉक पे भी फॉलो कर दें, सपोर्ट करें भाई को टिकटॉक पे भी यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दो, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो आज का हमारा व्लॉग ये है, व्लॉग तो आज वैसे हम बड़ी लेट शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम काम वगैरह में कुछ बिजी थे, तो लेकिन हमने कहा व्लॉग ज़रूर डालना है। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर हमने जाना था व्लॉग के लिए, तो बाकी इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो आज मेरा साथ मुझे पिक करने आया था मेरा फ्रेंड उस्मान। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और आज हमारे साथ एक न्यू बंदे ने हमें ज्वाइन किया है, हसन ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह स्नैप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने आपने भी अपने ब्लॉग में लिया। सो हमारे साथ एक और बंदे मौजूद है और शायद वो पहले भी स्नैप भाई के ब्लॉग में आ चुके हैं लेकिन वो अपने आप को दिखाते नहीं है, अहमद साहब उनका नेम है। आप जी, तो जैसा कि हसन भाई ने बताया ये भाई हमारे व्लॉग में नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है कि ये हमारे व्लॉग में आए। शायद आपकी कमेंट की वजह से ये बंदा आ जाए, इसका थोड़ा सा दिल जो है मोम हो जाए। ये वैसे ऐसी हरकतें जरूर करेगा, ये हाथ निकालेगा, पाँव तक निकालेगा अपने, लेकिन ये बीच में नहीं आएगा, ये देख रहे हाथ। जैसा कि हसन भाई ने बताया कि आप सबको ये हाई हाई कर रहे हैं पीछे से, ये आप देख ले, लेकिन ये फेस नहीं दिखा रहा क्योंकि यार वो बंदा थोड़ा सा है ना, उसने ना काफी देर पहले 3-4 साल पहले सोच लिया था कि मैंने ना सोशल मीडिया से हर चीज से ना दूर हो जाना है, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि यार चलो यार बच्चा है, इसको थोड़ा दिल बहलाए, इसको थोड़ा पास लेके आए। आप बात को समझ ना यार, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा हमारा साइड पे जा चुका है, तो यार आप उसको लेके आए। तो आपने ना वीडियो में नीचे से ज्यादा कमेंट करना है ताकि ये हमारे व्लॉग में, उसने हमें कह दिया कि जैसी पब्लिक की डिमांड ज्यादा होगी तो फिर अगर पब्लिक कहेगी तो मैं आऊंगा, तो मैं अदरवाइज मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। अभी आपके ऊपर है यार, हमारे भाई का मुखड़ा देखना चाहते हो तो आपको भाई कमेंट में अपनी पावर दिखानी हो। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी तो हम आ चुके हैं पेट्रोल रिफिल करवाने। यार हमें फ्री नहीं डाल दो क्या है? फ्री में डाल दो चला जा, बहुत ठीक है। जैसे ही पेट्रोल रिफिल होता है तो फिर हम यहाँ से ये तो हमने सोचा ही नहीं है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, और कमर्शियल जा रहे हैं। नहीं कहाँ पे जाना है? मैं बैरियर चलते हैं। कहाँ पे जा? बैरियर टाउन। और तू क्या कहता है? नहीं नहीं यार बैरियर चलेंगे यार, जो मर्जी हो जाए, बैरियर में जाके जरा मजा आएगा यार, जिसकी डिमांड मानी जाएगी वो सारे एक्सपेंस। भाई मैंने आप दोनों पे छोड़ा, ठीक है जिधर जिसने जाना है जो लेके जाएगा वो खिलाएगा। यार मैं तो कह रहा हूँ यार बैरियर ही जाना, जो एक्सपेंस उठाएगा उसकी जगह पे जाएंगे। अच्छा अगर स्पेंड होने की बात है तो फिर ऐसा यार मैं तो कहना रहा नहीं चंगा सही है ना। जी तो हम आ चुके थे राया कमर्शियल, गाड़ी हमने पार्क कर दी थी, तो अब हम अपने हसी हसन भाई किधर जाना है? हसन भाई के कहने पर हम जो है राया कमर्शियल आ चुके हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि उन्होंने व्लॉग में कहा था गाड़ी में बैठे हुए कि यार हम राया चलते सारे सारे एक्सपेंसेस ये उठाए हैं राय के अंदर, इसके कहने पे हमारे बेयर करेगा। मैं तैयार हूँ। अच्छा जी तो हसन भाई हम इधर आ तो चुके थे राया कमर्शियल में, लेकिन अब हमने जाना किधर है, विजिट किधर करना? यार यही तो मैं सोच रहा हूँ, अब हमें उस्मान भाई लेके आए हैं और उस्मान भाई खुद गायब हो गए हैं, लेकिन हसन भाई आप बताएं हम यहाँ पे खाए पिए क्या यार, बहुत बहुत ज्यादा। हम पहले एक ओवरव्यू करते हैं राया का, ठीक है? हमने इधर वैसे तो खाने पीने वाले काफी ब्रांड है, पीएफ चेंजेस हो गई, एशियन वॉक हो गया, कैफे लाइट हो गया, गुचू स्टेक हाउस हो गया, खाने पीने वाले तो काफी है यार। ये उस्मान रुको भाई, आप भी रुको मेरी बात सुनो, रुको जरा सबर करो, इतनी इतनी जगह के नाम ले रहे हो, पहले मेरे से तो पूछ लो क्योंकि एक्सपेंसेस सारे मैंने उठाने हैं। हाँ यार उस्मान भाई एक्सपेंसेस उठाने, ये आपको गाड़ी खाली नहीं करनी आप लोगों ने। कल हमने वादा किया था कि जो जिसके कहने पे हम इधर आएंगे वो हमारे बेयर एक्सपेंस बेयर करेगा, ठीक है? तो यार देखो मेरी बात सुनो, मैंने बैरियर को बोला, इसने कहा नहीं बैरियर ने उठाया चलते,
और जिसने जो डिमांड रखी थी उस डिमांड के मुताबिक हम राया हो चुके हैं। अब सारा काम है इसका यार, आप भी बताओ इसका बनता है सबसे पहले किराया का ओवरव्यू काट लेते हैं कि हमने किस रेस्टोरेंट पे जाना है। मैं बोलूंगा उधर लेके जाऊंगा और देखेंगे यार आपको भी दिखाते हैं कि हम इसका एक ओवरव्यू छोटा सा करवाते हैं कि कैसा बना हुआ और कौन कौन से रेस्टोरेंट इधर मौजूद है। थे जैसे कि हमने बताया था हम आपको कि हम कोई कैफे सर्च कर रहे हैं जहाँ पे मोहन भाई ने हमें खाना खिलाना है। मोहन भाई ये आ चुका है कैफे ब्रोथ, क्या कहते हो इधर चले? मैं तो यार हर जगह जाने के लिए तैयार, हर जगह लेकिन मैं हर जगह लेके जाने के लिए नहीं तैयार। नहीं यार चलो हमारे पास दो तीन हमारे पास दो तीन ऑप्शन हो रहे हैं, हम उनको भी जाके विजिट कर लेंगे उसके बाद डिसाइड करते हैं। 2000 years later जी तो हमने उस्मान को ये लास्ट तीन ऑप्शंस दिखा दी थी, वैशी लैब, निसा सुल्तान और कोका कुबान। रात होने को आ गई है, उस्मान ने इसे जाके यार आखिर में पूछते हैं भाई हमें कुछ खिला दे यार, भूख से एंड हो चुका है। अब हमें क्या खिला रहा है बता दे, हमें भूख से बुरा हाल हो गया है। हम कैप्रिनोज आ चुके हैं जिधर हमें उस्मान लेके आया, अब हम आपको अंदर जाके मिलते हैं। जी तो हमारा ऑर्डर आ चुका था, ये मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये हमें कैसा लगा। मज़ेदार है, ठीक है। इसमें उन्होंने बारबेक्यू सॉस डाली हुई थी जिसकी वजह से हमें सॉस तो नहीं मुझे इतनी पसंद है। हसन साहब आपको कैसा लगा? मैं करता हूँ ट्राई, सेम है यार हसन भाई जो आपने बताया। तुझे कैसा लगा? मैंने भी खाया ही नहीं है। तो जी ये मैं कैप्रिनो स्पेशल पिज़्ज़ा ट्राई करने लगा, तो ये मैं आपको भी बताता हूँ ये मुझे कैसा लगा। बहुत मज़ेदार। तुझे कैसा लगा? बहुत मज़ेदार। तुझे कैसा लगा सर? और आपको कैसा लगा? 10 out of 10 वाकई इसका बहुत मज़े का पिज़्ज़ा लगा। जी तो हम खा के फ्री हो चुके थे, थैंक यू उस्मान भैया आपका ट्रेड देने के लिए आपका। तो टेस्ट कैसा लगा? लंदन, ठीक है, डी एच राया में आइए, ठीक है। फ्री हो चुके थे, राया से हम निकल चुके थे, तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आपने इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारे ऐसे अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग आते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं साथ ही उस्मान भाई हमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे तरीके से खाना खिलाते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, आगे लोगों तक पहुंचा दिया करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहें और ताकि हम इसकी जेब खाली करते रहें और आपकी इस प्यार की वजह से हमें और मोटिवेशन मिले और ज्यादा व्लॉग बनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।